हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपीके सॉफ्ट। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम प्रोडक्ट को इंसर्ट कराएंगे डेटाबेस में, और सेकंड थिंग हम ये देखेंगे कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएंगे डेटाबेस से। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं। एप्लीकेशन में जाने के बाद हम मॉडल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से तमाम चीज़ें क्लोज हो गई। अब हमें अपनी प्रोडक्ट को ऐड कराने के लिए बैकेंड की लॉजिक को लिखना पड़ेगा। तो बैकेंड की लॉजिक, जिस तरह हमें मालूम है कि कंट्रोलर के थ्रू होती है, सो कंट्रोलर पे हम सबसे पहले राइट क्लिक करके ऐड करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले प्रोडक्ट के मॉड्यूल पे काम करेंगे। सो इसलिए हम एक कंट्रोलर ऐड करेंगे प्रोडक्ट के नाम से। ASP.NET हमें बहुत सारे कंट्रोलर प्रोवाइड करता है MVC5 के लिए। एक MPT होता है, रीड राइट होता है, और वेब API के होता है। सो अभी हम सबसे पहले MVC5 के MT कंट्रोलर पे काम करेंगे। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं। हम इस कंट्रोलर का नाम देते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, सो ऐड कर लेते हैं इसको। अब ऐड करने के बाद हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम लिखना है जो डेटाबेस हमें प्रोवाइड किया गया था मॉडल बाइंडिंग के दौरान। सो हमें वो डेटाबेस क्या था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंटिटीज DB इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम न्यू। ओके, सो अभी ये यहाँ पर अंडरलाइन एरर यूं दे रहा है क्योंकि हमने इसको अभी इसके नेम स्पेस को ऐड नहीं किया। इसके लिए हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कुछ सजेशन दे रहा है, यूजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, क्या आप इसके मॉडल को यूज करना चाहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं आप ये मॉडल इसने यहाँ पर एज अ रेफरेंस ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ नहीं करना, हमने एक मेथड बनाना है जो कि प्रोडक्ट को ऐड करेगा डेटाबेस के अंदर। प्रोडक्ट को ऐड कराने के लिए हमारे पास मेथड जो हम क्रिएट करेंगे, एक मेथड होगा HTTP GET, जो कि हमारे सिर्फ UI को डिस्प्ले कराएगा, उस पर डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं होगा। HTTP POST जो होगा वो हमारा पोस्ट मेथड होगा, वो हमारे डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएगा। सो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो कि आप लोग जानते होंगे, HTTP GET। अच्छा, ये हम नोटेशन लगाते हैं ताकि मेथड को बता सकें कि ये मेथड किस तरह की ऑपरेशन को हैंडल करेगा। मेथड को क्रिएट करने के लिए ये हमारे पास मेथड है। MVC कंट्रोलर के अंदर मेथड इस तरह से होता है। सो मेथड को या तो हम इस तरह से पूरा लिख भी सकते हैं, या तो शॉर्ट की यूज करते हैं MVC 4 एक्शन। आपने देखा है लिखा हुआ है, हमने इसको डबल टैप क्लिक कर देना है। डबल टैप जैसे हम दबाएंगे ये हमारे पास एक्शन क्रिएट कर देगा। अब इस एक्शन को हम कह देते हैं क्रिएट। ओके, क्रिएट का हम C कैपिटल रखते हैं, यानी कैमल केस। क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे बिल्कुल इसी के नाम से। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आपने सेम नाम और सेम पैरामीटर्स के साथ मेथड को क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम इसे HTTP GET के बजाय हम HTTP POST कर देंगे, HTTP POST कर देंगे। और इसके अंदर हम किस तरह का डेटा इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, किस क्लास का, हम प्रोडक्ट टाइप का कराना चाह रहे हैं। हम मॉडल में देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट परचेज सेल तीन क्लास का डेटा है। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट ये देखें, इसने सजेशन दे दी PRO, ये इसका ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट टाइप का। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, हमने जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया है DB, उसी को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सो db. यहाँ पर हम उस टेबल को सर्च करेंगे product.add, प्रोडक्ट में ऐड करें
क्लास प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर हम कहते हैं db डॉट सेव चेंजेस, सेव चेंजेस करें और यहां पर रिटर्न में कुछ भी ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम इसके ओके सो हमने मेथड को तो क्रिएट कर दिया है, यहाँ इसको हटा देते हैं। हमने यहाँ पर मेथड को क्रिएट कर दिया है, अब मेथड भी हमारे पास मौजूद है, पीछे हमारी डेटाबेस का टेबल भी बाइंड हुआ हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्लास टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा है, लेकिन अब इसको हमें व्यू भी कराना है। हमने मॉडल का काम कर लिया, हमने कंट्रोलर का काम कर लिया, अब हम इसमें व्यू ऐड कराएंगे। जितने भी एक्शन रिजल्ट होते हैं उन तमाम एक्शन रिजल्ट जो है यूआई पे व्यू को रिटर्न करते हैं। सो हमने यहाँ पर देख सकते हैं हम लिखा हुआ है रिटर्न व्यू। सो हमने यहाँ पर व्यू को ऐड करना है, सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो व्यू है वो किस टाइप का होगा, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को इंसर्ट करा रहे हैं प्रोडक्ट को। सो हम क्रिएट टाइप कर लेंगे। अब मॉडल क्लास उसने बोला तो मॉडल क्लास हमारे पास प्रोडक्ट, देखें हमने प्रोडक्ट का PRO लिखा, उसने सजेशन दे दिया हमें कि प्रोडक्ट का टेबल जो कि हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डॉट मॉडल्स के अंदर, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम है, डॉट मॉडल्स का मतलब मॉडल के फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर हम डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास देंगे जो कि होगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, ठीक। यहाँ पर आपने ऐड को क्लिक करना है। सो यहाँ पर इस व्यू को जो कि लेजर पेज है, लेजर पेज का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास HTML और C# के कंबाइंड कंट्रोल्स को मिलाकर लेजर पेज बनाया गया है, जिसके अंदर हम HTML भी साथ साथ यूज कर रहे होते हैं। ये देखिए HTML के एलिमेंट्स को यूज भी कर रहे होते हैं और साथ साथ हम C# के कंट्रोल्स को भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक। सो ये हमारा प्रोडक्ट क्रिएट का हो गया। अब प्रोडक्ट क्रिएट के लिए यहाँ पर हम ये जो हमारा बटन है सबमिट टाइप का, इसके अंदर हम क्लास को हम डिफॉल्ट के बजाय PTN BTN प्राइमरी कर लेते हैं। तो देखें इसने सजेशन दे दी, यानी जस्ट ये इसका कलर चेंज करेगा। BTN BTN डिफॉल्ट हमारे पास वाइट कलर शो करता है बटन, प्राइमरी हमारे पास ब्लू कलर को शो करता है। सो उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने इसे प्राइमरी को यूज़ किया है, ठीक है। अब जैसे हमारा प्रोडक्ट क्रिएट होगा हमें वो प्रोडक्ट दिखना भी चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा जो क्रिएट हो चुका है वो हमें यूज़र को दिखे भी। डेटाबेस में तो वो इंसर्ट हो चुका है, लेकिन यूज़र को किस तरह से पता चलेगा कि उसका डेटा यानी उसका जो उसने प्रोडक्ट ऐड किया है वो डेटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा देंगे। सो उसके लिए हम HTTP गेट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्प्ले कराना है चीज़ों को, गेट कर रहे हैं हम, पोस्ट नहीं कर रहे कोई चीज़, यानी डेटाबेस में कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे। MVC अगेन हम MVC लिखेंगे, उसने MVC एक्शन 4 का सजेशन दे दिया, हम उस पर डबल टैप प्रेस करेंगे जो हमारे लिए एक्शन रिजल्ट यानी मेथड को क्रिएट कर देगा। हम इसका नाम दे देते हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट, ML केस में देंगे हम, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लिस्ट को रिटर्न करवाएंगे अपने व्यू पे। सो हम लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा लिस्ट किस तरह की होगी, हमारी प्रोडक्ट टाइप की। ओके इक्वल टू हम लिस्ट ला कहाँ से रहे हैं, db यानी डेटाबेस डॉट प्रोडक्ट का टेबल डॉट ओके। सो हम इस पे साथ साथ सर्च उसकी वो भी लगा देते हैं, सॉर्टिंग भी लगा देते हैं। सो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, यानी जो प्रोडक्ट सबसे लेटेस्ट इंसर्ट होगी वो सबसे टॉप पर आएगी, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लगाते हैं। यहाँ पर हमसे वो पैरामीटर में पूछेगा कि आपने किस हिसाब से इसे ऑर्डर बाय करना है, यानी इसे आईडी के बिहाफ पे करना है,
इसे आपने नेम के बिहाफ पे करना है, किस बिहाफ पे, तो हम कहेंगे कि हमें इसे आईडी के बिहाफ पे करना है। सो मैं इसे दोबारा बता देता हूँ कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, एक्स डॉट, यहाँ पर इसने हमें उस फील्ड के नाम रिटर्न कर दिए जिस टेबल में मौजूद है, यानी आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी। सो हम आईडी की बिहाफ पे ऑर्डर बाय लगाना चाहते हैं, सो हमने ये बता दिया डॉट टू लिस्ट, हम इसे लिस्ट की शक्ल में मंगवाना चाहते हैं। जस्ट हमने ये लिस्ट क्रिएट की, ओके, लिस्ट का नाम हम नहीं दिया, हमने लिस्ट का नाम दे दिया हमने, और अब इस लिस्ट को कंट्रोल सी हम अपने व्यू में पास कर देंगे, यानी हमारे प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से ऑर्डर बाय डिसेंडिंग होके जो लिस्ट हमारे पास आएगी प्रोडक्ट्स की, उस लिस्ट को हमने पास कर दिया व्यू में। यहाँ पर हम अपना व्यू क्रिएट कर देते हैं, व्यू यानी यूजर इंटरफेस। ओके, अब हमारा ये व्यू किस तरह का है, हमारा व्यू है लिस्ट टाइप, यानी वो लिस्ट को शो कराएगा, और वो है किस टेबल के लिए, यहाँ हम ड्रॉप डाउन से भी देख सकते हैं, हमने कहा ये प्रोडक्ट के लिए। डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी, हमारे पास एक ही शो, हमने ऐड पे क्लिक किया और ये हमारा व्यू ऐड होना शुरू हो गया। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर इसने हमें ये व्यू क्रिएट करके दे दिया। सो हम यहाँ पर इसे रन करके देख लेंगे। सो मैंने कहा था कि जैसी कोई प्रोडक्ट हमारे पास ऐड होगी, हमारा ऐड होने के बाद फौरन से हमें वो डिस्प्ले होनी चाहिए। सो हम डिस्प्ले वाले मेथड को यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसके बाद इसके बाद डीबी डॉट सेव चेंजेस के बाद हम रिटर्न कराते हैं रीडायरेक्ट। हमारे पास एक ऑप्शन होता है, मेथड होता है रीडायरेक्ट टू एक्शन, यानी जब ये चीज़ ऐड हो जाए डेटाबेस में सक्सेसफुली, तो आपने इस मेथड पे यानी रीडायरेक्ट टू एक्शन यानी क्रिएट प्रोडक्ट से हम कहाँ पर चले जाएं, डिस्प्ले प्रोडक्ट पे, यानी अगर जैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऐड हो तो हम डिस्प्ले वाले को कॉल कर दें और हमारे पास प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाए। सो मैं इसको यहाँ पर जस्ट कॉल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टारगेट अचीव हो गया है, अब हम इसे चलकर रन करके देखते हैं। सो रन करने के लिए गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउजर अवेलेबल है, आप उससे रन करके देख लें। मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल क्रोम ही यूज करें। सो ये हमारे पास ओपन कर रहा है इसे, लोकल होस्ट, ये पोर्ट नेम, प्रोडक्ट हमारे कंट्रोलर का नाम, और क्रिएट प्रोडक्ट हमारे मेथड का नाम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने यहाँ पर इसे क्रिएट कर दिया है। अब क्योंकि हमारे पास ये चीज, ये फील्ड के नाम थोड़े अजीब से आ रहे हैं, ये अजीब से यूँ आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने डेटाबेस में फील्ड के नाम इस तरह रखे हैं। सो हम इसको अभी सही कर लेंगे। सो यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ आईफोन एक्स मैंने ऐड करना है, और कितनी क्वांटिटी में करना है, मैंने 200 क्वांटिटी में। अब जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, सो हमारे पास क्रिएट होने के बाद ये चीज़ हमें डिस्प्ले हो जानी चाहिए। डेट पे मैंने क्लिक किया, सो ये देखिए फ्रेंड्स, सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई है कि प्रोडक्ट नेम आईफोन एक्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी 200 हमने ऐड कर दी है। सो अभी क्योंकि ये बटन हमारे पास एज अ लिंक शो हो रहे हैं, सो हम इसको थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्रिएट का बटन बेहतर यूँ हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर बीटीन प्राइमरी को यूज़ किया था। सो हम डिस्प्ले पे चलते हैं क्योंकि ये डिस्प्ले का बैक टू लिस्ट पे अभी हमने बाइंडिंग नहीं की है।
आईफोन एक्स की जगह आईफोन 7 भी कर सकते हैं हम, और इसकी 100 पॉइंट। यहाँ पर देखें एडिट, डिटेल्स और डिलीट, ये तीनों हमारे पास बटन है, ये भी हमारे पास बटन है, बट ये एज ए लिंक अभी शो हो रहे हैं, हम इससे बटन भी बना देते हैं। सो एक्शन लिंक हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं एडिट, एडिट को हम न्यू, न्यू के बाद हम इसे बटन बनाना चाह रहे हैं तो हम न्यू लेंगे, एट द रेट क्लास इक्वल टू, यहाँ पर हम दे देंगे VTN, VTN primary, ठीक है। इसको हम ब्लू कलर देना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करते हैं, नीचे आकर इसको हम पेस्ट करते हैं, और डिटेल्स को हम ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी डिजाइनिंग करना चाहें कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह हो सकता है। प्राइमरी और डिलीट को हम रेड बटन देंगे, तो रेड है डेंजर, ओके। इसी तरह हम क्रिएट वाले को भी न्यू प्राइमरी की जगह प्राइमरी ही रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास, हम जो देख रहे थे कि डिस्प्ले में हमारे पास प्रोडक्ट अंडर स्कोर नेम, प्रोडक्ट अंडर स्कोर क्वांटिटी आ रहा है, तो हम इसको सूरत बनाते हैं, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी को पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम फॉर के बजाय हम डिस्प्ले नेम करेंगे, और यहाँ से इस चीज़ को हम हटाकर यहाँ प्रोडक्ट नेम कर देंगे सेम एज इट इज, यहाँ से डिस्प्ले फोर को हटाकर डिस्प्ले नेम कर देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे अपनी दूसरी फील्ड का नाम, यानी प्रोडक्ट क्वांटिटी, ओके। देन और हमारे पास क्या है, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, लेकिन ये जो एक्शन है इसके ऊपर हमारे पास कुछ हेडिंग नहीं आ रही, तो हम इसको भी हम टेबल हेडिंग एक बना देते हैं, ठीक है। और इसका नाम हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसको हम एक्शंस का नाम दे देते हैं, एक्शंस, ठीक है। कंट्रोल एस किया हमने अपने पास, ओके। अब यहाँ पर हम नोट करें तो डिस्प्ले प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट न्यू, तो जब हम क्लिक करें तो वो दोबारा प्रोडक्ट के ऐड वाले पेज पर ले जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम क्रिएट प्रोडक्ट वाले मेथड को कॉपी करेंगे, और इसके HTML वाले पेज, रेजर व्यू वाले पेज के अंदर जाकर क्रिएट न्यू। अच्छा, ये एक्शन लिंक क्या क्या लेता है पैरामीटर, सबसे पहले वो टेक्स्ट लेगा, यानी क्रिएट न्यू जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ये हमने एज इट इज छोड़ देना है। दूसरे नंबर पे वो मेथड का नाम लेगा, तो हमने मेथड का नाम जो था वो हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट, ओके। फिर देन तीसरे नंबर पे वो लेगा कंट्रोलर का नाम, तो हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, प्रोडक्ट, सो हम ले लेते हैं प्रोडक्ट। देन अब हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे, इसी तरह हम क्रिएट प्रोडक्ट पे आकर क्रिएट प्रोडक्ट को भी सही कर लेते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट अंडर स्कोर नेम आ रहा है, प्रोडक्ट अंडर स्कोर क्वांटिटी आ रहा है, सो हम इसको लेबल फॉर के बजाय हम उसे लेबल कर लेंगे,
और यहाँ से इसको हटाकर हम लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। ओके, इसी तरह सेम लेबल फॉर के बजाय लेबल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम प्रोडक्ट क्वांटिटी। ओके, देन हम सबसे नीचे आएंगे बैक टू लिस्ट। अब बैक टू लिस्ट के अंदर एक्शन लिंक, और एक्शन लिंक पे हमारे पास हमें बैक टू लिस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली तौर पे डिस्प्ले वाले को कॉल कर ले रहा है। सो इतना काफी है आई थिंक। हम इसे रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। रिफ्रेश, ये देखिए इसने यहाँ पर क्रिएट नहीं होके बटन को भी, ये तमाम एक्शन लिंक्स को इसने बटन्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं सो हमारे ये क्रिएट प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप दूसरी चीज ये देख लें कि प्रोडक्ट अंडर स्कोर नेम के बजाय प्रोडक्ट नेम आ रहा है। प्रोडक्ट अंडर स्कोर क्वान्टिटी जो हमने चेंज किया है वो क्वान्टिटी, ये लेबल फॉर खूबसूरत हो गया है। यहाँ पर हम एक नया ऐड करके देख लेते हैं, डेल लैपटॉप। ओके, और यहाँ पर क्वांटिटी जो चाहे आप डाल लें। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डेल लैपटॉप 300। अब आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि हमने ऑर्डर बाय लगाया था आईडी के बेसिस पे, यानी जो सब प्रोडक्ट लेटेस्ट ऐड होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। सो ये देखें, डेल लैपटॉप हमने क्रिएट किया था, ये सबसे ऊपर आ गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम बाकी तमाम एक्शंस पे वर्क करेंगे। So thank you, keep like, keep sharing.